लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सेवा वृद्धि की मांग को लेकर 25 दिन से क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ के बैनर तले रायपुर के बुढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल में हो रहे आंदोलन में आज अस्थायी कोविड कर्मचारियों ने आज अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आज कोरोना योद्धाओं ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुए घटनाक्रम को नाटक के माध्यम में प्रदर्शित किया। कहते हैं कि कोरोना योद्धा ने कुछ नहीं किया, तो आज हम बताना चाहते हैं जनता को। सभी को प्रणाम करते हुए स्थिति क्या है बताइए, आप कैसे खुलेंगे? हमारे कोरोना योद्धा को नहीं खुलेंगे। अब ऐसी स्थिति हो गई है हमारी, भाई साहब एक मिनट रुको, इनका जो एक्टर है उसकी स्थिति देख रहे हैं। इनके लिए दो पाता हुआ, दो पाता हुआ, भारत पाता हुआ।
बीस में लेके बोल रहे हैं, सरकार में लेके आज के इस आंदोलन में प्रदेश भर के हजारों कोरोना योद्धा ने हिस्सा लिया। वही कोरोना योद्धाओं ने कहा कि जब तक सरकार से लिखित में मांगों में जवाब नहीं आएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम सब अस्थायी कोविड कर्मचारी अपनी सेवा वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई भी सकारात्मक जवाब लिखित रूप से नहीं आया। इसलिए कोविड कर्मचारियों ने आज कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कैसे हम लोगों ने परेशानियों का सामना किया, कैसे कोरोना पहली दूसरी लहर में हम लोग निपटे, किन किन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शन करके लोगों को और सरकार को बताने की कोशिश की कि कोरोना योद्धाओं कितनी तकलीफ में रहे। आज भी कोरोना योद्धा तकलीफ में है, बस सरकार से एक ही मांग है कि कोरोना योद्धाओं की मांग को निरंतर किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से माननीय भूपेश बघेल जी ने एक आश्वासन दिया है कि वो कोरोना योद्धाओं के लिए टीम गठित करेंगे, लेकिन कोरोना योद्धाओं के लिए टीम के साथ साथ जो अनुपम नियुक्ति था उनके लिए टीम गठित हुआ, उनकी अनुपम नियुक्ति जो लेटर है वो एक माह के भीतर सौंपने की बात कही, लेकिन अब तक हमारे लिए ऐसा कोई भी प्रकार से सकारात्मक लेटर जारी नहीं हुआ। इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ तो ऐसी चीजें हैं